अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स। होपफुली ठीक ठाक होंगे। और मैं हूँ सहरिश उमर, और ये व्लॉग मेरा आज का है, मॉर्निंग से नाइट रूटीन का और पूरा दिन के काम काज होते हैं। तो फिर जी यहाँ पे सुबह सुबह मैं उठ गई थी, बच्चों का नाश्ता स्कूल भेजने के फौरन बाद नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई थी, जिसमें कि हस्बैंड अभी गए हुए थे आयशा को स्कूल छोड़ने। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से इशार के सोते सोते ही ना जल्दी जल्दी से उठ के बस नाश्ता पेड़े वगैरह बना लिए थे, और साथ में हस्बैंड को जो ऑफिस खाना देना होता है ना उसकी भी तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज मैंने सोचा तो उन्हें आलू मटर का सालन बना के देते हैं, और ये तकरीबन 3 लोगों का बनाना होता है, 3 से 4 का, तो मुझे सही रह जाता है। मुझे रोज़ फैंसी आइटम्स नहीं बना सकते, तो फिर इसी वजह से मैं ना कभी कुछ रैंडम हो जाता है। तो आज आलू मटर की बारी आ गई थी, मटर कल ताज़े ताज़े से निकाले थे तो वो पड़े हुए थे। बस यहाँ पर मैंने प्याज को लाइट ब्राउन करके टमाटर अदरक लहसुन डाला और बस आलू मटर वॉश करके इसमें ऐड कर दिए थे। सिंपल सी रेसिपी होती है डेली, आप मेरा नहीं ख्याल कोई भी इतने हैवी इंग्रेडिएंट्स खा सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टमक इस बात की तो इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता कि हम लोग रोज़ इतने स्पाइसी फूड खाएँ। तो फिर यहाँ पर जी हस्बैंड ने मुझे कहा था बहुत लाइट मसाले डाल के आप अच्छा, और मैं यहाँ पे देखें जो उनके लिए बनाई थी आलू मटर, जो कि वो अपने साथ ले जाएंगे और इंशाल्लाह लंच में वो खा लेंगे। तो जी तकरीबन जो है ना टाइम अभी 8:30 का ही हो रहा था, और मैं जल्दी जल्दी से, मेरी कोशिश थी कि मैं जितना काम, क्योंकि आज हमारे पूरे दिन की लाइट जानी थी, तो फिर ये था कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाने वाला होता है ना पूरे हफ्ते का, तो फिर वो भी आज ख़त्म हो रहा था। और मेरी कोशिश थी कि मैं काम करते करते ना जल्दी से जो जो काम हो सकते मैं वो वाइंड अप करती जाऊँ। तो सालन जो है मैंने तैयार करके तकरीबन इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल दिया था, और इसे मैंने प्रेशर लगा दिया था, और बस ये काफ़ी होता है 2-3 लोगों के लिए, इनफ हो जाता है। और अदरक लहसुन छीला हुआ था तो इसे मैंने वॉश करके अच्छी तरह से इसे मैं वो किया, इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके ताकि ये कलर चेंज ना करे। तो जी मैंने ऑयल ऐड करके इसे बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, हैंड बीटर से ब्लेंड किया था, और इसके बाद ये है कि ये काफ़ी अच्छा रह जाता है, पूरा हफ्ता आपको काम करने में ना आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारे बहुत से काम होते हैं तो उसमें अगर हमें अदरक लहसुन उसी टाइम पे हांडी के टाइम पे छीलना और बनाना पड़ जाए ना तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और यहाँ पर जी ये बस मैं इस तरह से बीट करके इसे हैंड बीटर से, तो मैं सारा जो है ना वो कर लूँगी हैंड ब्लेंडर से पेस्ट बना के इसे ट्रे में जोड़ दूँगी, और वहाँ पे ये होता है कि ये फ्रीज हो जाएगा तो फिर मैं इसे कंटेनर में डाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने सालन बना लिया था, बहुत अच्छा सालन बन गया था हस्बैंड के लिए, और बस अब मैं किचन को क्लीन करके थोड़ी देर ऊपर जाऊँगी बच्चों के पास, उन्हें धूप में लेके जाना था आज मैंने, क्योंकि या काफ़ी दिन से बेड रेस्ट पे था, तो फिर आज उसे चलो धूप निकली है तो अच्छी तरह से वो थोड़ी देर धूप में बैठेगा, और साथ साथ वो काफ़ी बोर हो रहा है, बच्चे हैं ना अंदर रह रहे के ना स्कूल जा रहा है ना ट्यूशन जा रहा है, तो वो फिर काफ़ी बोर हो चुका हुआ है, और इस वजह से बस वो आज मैं उसे थोड़ी देर के लिए लेके जाऊँगी ऊपर। अभी नाश्ता ही चल रहा है, हस्बैंड को नाश्ता दूँगी, अपना नाश्ता करूँगी, और साथ में डेली जो है ना हमें एग फ्राई बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, एक तो ये कि अच्छा भी होता है, फिर ये है कि सर्दियों में दिल भी करता है ना जी। यहाँ पे चाय की तैयारी हो रही है, हस्बैंड भी पीते हैं, सभी पीते हैं चाय वगैरह तो हमारे घर में, और बस मैं नाश्ता करते करते बहुत से काम सोच रहे होते हैं कि दोपहर में क्या बनना है, बस सारी मेरे ख्याल से हाउस वाइफ जितनी भी है ना उन सभी की ये ऑलमोस्ट सेम रूटीन ही होती है। और एक टाइम होता है जो सुबह का टाइम होता है, वो सभी का बहुत बिजी होता है, मेरा तो फिर होता ही है, और साथ में हम लोग इसी तरह से देख रहे थे। अब ये देखें यहिया को मैं ऊपर छत पे लाई थी तो इतनी अच्छी धूप थी कि यहाँ पर सुस्ती होने लगी थी कि यार थोड़ी देर बैठ जाओ, लेकिन वही बात है कि आपका टाइम इतनी जल्दी फास्टली भाग रहा होता है कि आपको इतनी वो मिनटों का लगता है जैसे घंटे हो गए हमें ना टाइम में लगाते हुए। यहाँ पे थी रात हो गई है और आयशा का दिल था आज चीज़ सैंडविच खाने के, तो मैंने सैंडविच मेकर में इस तरह से आयशा को कहा था कि आ जाओ मेरे साथ हेल्प करवाओ, और वो हम सब ने चीज़ सैंडविच खाए और बहुत मज़े के बनते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।